हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइजन 5 वर्सेस राइजन 3 के बारे में, जबकि राइजन 5 एक बड़ा नंबर है एंड हाई एंड प्रोसेसर है। सो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे राइजन 5 बेटर है, लेकिन मैं बोलूंगा राइजन 3 बेटर है। एक्चुअली ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं, देखो एक्चुअली मेरे पास बेंचमार्क नंबर्स हैं। हम बेंचमार्क करेंगे राइजन 3 3300X वर्सेस राइजन 5 3500, क्योंकि देखो दोनों लगभग लगभग सेम प्राइस पे आते हैं। अभी दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आप राइजन 5 3600 की बात कर रहे हो तो उसके अंदर तो 6 कोर और 12 थ्रेड्स आते हैं, यानी कि आपको साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग देखने को मिलती है। लेकिन राइजन 5 3500 में SMT आपको नहीं मिलता है, उसके अंदर सिर्फ 6 कोर और 6 थ्रेड्स हैं, 12 थ्रेड्स नहीं है। तो उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग की कमी है, या फिर मैं अगर AMD की टर्म्स में बोलूं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग की कमी है। उसके अंदर 12 थ्रेड्स नहीं है, सिर्फ 6 थ्रेड्स हैं। लेकिन राइजन 3 जो है उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है, उसके अंदर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है, उसके अंदर 4 कोर है, 8 थ्रेड्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको हाइपर थ्रेडिंग या साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग मिलेगी, लेकिन कोर सिर्फ 4 ही है। तो एक CPU है, इसके अंदर कोर्स तो ज्यादा है बट SMT यानी हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। दूसरा जिसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है बट कोर्स कम है। नाउ कौन आपको ज्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि दोनों की प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है एंड दोनों जो है वो Zen 2 आर्किटेक्चर में बेस्ड है। तो यहाँ पे जो है वो हम इनका बेंचमार्क करने वाले हैं, आपको एडिटिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, आपको गेमिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, एंड ये दोनों CPU Ryzen 5 3500 एंड 3300X गेमिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं, तो गेम्स में कौन ज्यादा FPS देता है, कौन एक्चुअली गेमिंग किंग है इन दोनों में से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको जो है वो अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपग्रेड का सोच रहे हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे एक और प्रोसेसर जो है वो बीच में निकल के आता है, वो है Ryzen 2700 जो कि Amazon पे कई दिनों से जो है वो 12-13 हजार रुपए का बिक रहा है। सो अगर आपको कंप्लीटली एडिटिंग या फिर की मल्टी कोर वर्कलोड के लिए चाहिए, देन तो आप 2700 की तरफ जा सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो नए CPU लेना चाहता है उसके लिए जो है वो राइजन 3 और राइजन 5 ये जो है वो एक चॉइस बन जाती है ना। राइजन 5 3600 को मैं इसके अंदर इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अगेन 15-16-17 हजार का आता है और वो जो है वो इनकी प्राइस के मुकाबले सिग्निफिकेंटली हायर है। सो अगेन उसके अंदर प्राइस का जो है वो चेंज है, तो इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट सिस्टम की, तो टेस्ट सिस्टम में मैंने जो है वो इन दोनों CPU को यूज करा है ASUS के Corsair 8 हीरो मदरबोर्ड में, जो कि टॉप एंड मदरबोर्ड है, किसी तरीके का इसमें इशू नहीं आने वाला। 32 GB ऑफ कोर्स है, डोमिनेटर प्लेटिनम हाई एंड मेमोरी 3200 MHz ऑसम और 2080 Ti के साथ। 2080 Ti मैंने क्यों यूज करा है, ताकि जो है वो आपको GPU bottleneck देखने को ना मिले और हम जो है वो किसी भी गेम में GPU bound ना रह जाएं। तो इसलिए जो है मैंने सबसे हाई एंड कार्ड यूज करा है जो कि तुम खरीद सकते हो कंज्यूमर लेवल ना, तो कोई इशू नहीं है, एकदम बेसिक स्टॉक पर टेस्ट करें। नाउ Cinebench R20 की बात करते हैं, Cinebench R20 में देखो तुम्हारा जो है वो Ryzen 5 3500 जो है वो थोड़ा सा हाई स्कोर करता है, ऑफकोर्स जो कि ना उसके अंदर फिजिकली 2 कोर ज्यादा है, यानी कि 4 के मुकाबले उसमें 6 कोर है, फिजिकली एक्स्ट्रा कोर्स है, तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो मल्टी कोर सिनेमा 420 जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन Ryzen 3 3300 ज्यादा पीछे नहीं है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि AMD की जो SMT टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, सो आपको जो है वो ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, तो तुम्हें दिख रहा होगा स्कोर जो है वो काफी क्लोज है। लेकिन अगर तुम सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करो, सिंगल कोर अगर परफॉर्मेंस की बात करो, सिंगल कोर में 3300X हायर है। इसके पीछे 2-3 रीजन है, उनमें से एक ही है कि उनमें जो है वो कोर टू कोर लेटेंसी जो है वो कम है, प्लस क्लॉक स्पीड एंड थोड़ा एक ही CCX के अंदर सारे कोर्स है, तो वो भी जो है वो काफी बेनिफिट करता है। वीरे बेंचमार्क की बात करें तो वीरे में भी जो है वो 3300X जो है वो 3500 को इजिली बीट कर देता है। और अगर हम नेक्स्ट बेंचमार्क की बात करें जो कि है कोरोना बेंचमार्क, एंड यस ये बेंचमार्क का नाम है, किसी वायरस का नाम नहीं है, इसके अंदर भी आपको कोरोना बेंचमार्क को कंप्लीट करने में Ryzen 3500 को लगते हैं 240 सेकंड्स, लेकिन 3300X को लगते हैं 201 सेकंड, जो कि टाइम रिडक्शन है, यानी कि कम टाइम लग रहा है, यानी कि बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3300X ऑफ कोर्स यहां पे भी सुपीरियर है। नाउ ये थे जो है सिंथेटिक वर्कलोड, सिंथेटिक बेंचमार्क्स। नाउ बात करते हैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की, एक्चुअल गेमिंग की। सो एक्चुअल गेमिंग में अगर तुम देखो तो Battlefield 5, नाउ Ryzen 5 3500 जो है वो 145 एवरेज और 1% लोज में 79 का तुमको देता है, लेकिन 3300X जो है वो 158 का एवरेज एंड 108 जो है वो तुम्हें ऑफ कोर्स गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। नाउ इसमें जो है वो एवरेज FPS एंड 1% जो है वो 3300X के ज्यादा है, बिकॉज अगेन मैंने बोला ये गेमिंग में सुपीरियर है। नाउ गेमिंग में ये कोर इसलिए सुपीरियर है बिकॉज इसके सारे के सारे जो भी कोर्स हैं वो एक CCX के अंदर है, एक CCX के अंदर है, तो मतलब कि तुमको जो है वो लेटेंसी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जितने भी तुम्हारे 6 कोर या फिर 8 कोर CPUs हैं वो सारे उनके कोर जो है वो 2 CCX में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 4 कोर एक CCX में और बाकी के कोर जो है वो दूसरे CCX में। अगर मैं 8 कोर की CPU की बात करूँ लाइक Ryzen 7 3700X, तो उसके अंदर 4 कोर एक CCX में, 4 कोर एक CCX में, तो जैसे ही 8 के 8 कोर का कुछ काम होता है तो उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेकिन Ryzen 3 में जो है वो मात्र 4 कोर है और वो सारे के सारे एक ही CCX में, तो उनमें जो है वो लेटेंसी नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई इसमें जो है वो गेमिंग परफॉर्मेंस तुम्हें 3300X की इनक्रेडिबल मिलेगी। कहीं कहीं पे तो ये Ryzen 7 तक को बीट करता है। Battlefield 5 जो है वो उन कुछ चुनिंदा टाइटल्स में से है जो SMT यानी कि साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, फिर मैं बोलूं हाइपर थ्रेडिंग को, इसको जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। एंड अगर तुम इसको कोई एक ऐसा CPU दो जिसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, लाइक i5 9400F या Ryzen 5
500 आपको जो है 1% और 0.1% लोस में जो है उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल है और तुम्हें दिख भी रहा होगा। नाउ शेयर ऑफ द टूमिनेटर में ऑफकोर्स अगेन तुम्हें 3300X जो है वो तुम्हारा कुछ FPS से जो है वो अगेन जीत जाता है, 100+ FPS तुम्हें 3300X के साथ मिल जाते हैं, जबकि 3500 के FPS इतने कम तो नहीं है, बट अगेन 3300X गेमिंग में सुपीरियर है। फार क्राई की बात करूँ तो फार क्राई में भी अगेन 100+ FPS तुम्हें 3300X में मिल जाते हैं, लेकिन 3500 में जो है वो अगेन थोड़ा सा रह जाता है 100 का बेंचमार्क टच करने से पहले। GTA 5 जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट गेम है और बीच में फ्री भी हुआ था, GTA 5 में भी अगेन 137 FPS का एवरेज एंड 105 आपको जो है 1% लोज मिलते हैं, लेकिन 3500 में जो है वो सिर्फ 125 FPS कम FPS आपको देखने को मिलते हैं उसके मुकाबले। PUBG वैसे तो ऑनलाइन गेम है, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं खेलने में, इसमें जो है वो अगेन फिर से 160 FPS का एवरेज एंड इसमें अगेन 3300X जो वो इजीली बीट कर देता है तुम्हारे 3500 को Ryzen। नाउ यहाँ पे दो सीनेरियोज आते हैं, देखो गेम्स में तो तुम्हारा जो है वो इजीली Ryzen 3 3300X बीट कर रहा है तुम्हारे Ryzen 5 3500 को। सो हाँ, अगर जिसको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, जिसको सिर्फ FPS चाहिए, वो इजीली जा सकता है 3300X की जगह। लेकिन कई लोग बोलेंगे ये सिर्फ एक 4 कोर का CPU है एंड 4 कोर का CPU जो है वो फ्यूचर में जो है वो इशू कर सकता है, बिकॉज फ्यूचर के जो गेम्स हैं वो मल्टी कोर CPUs को सपोर्ट करेंगे, वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे लेटेस्ट कॉन्सोल्स हैं वो भी जो है वो Zen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड है, उनके अंदर 8-8 कोर के CPUs लगे हुए हैं। सो अगर कॉन्सोल से गेम आते हैं और कॉन्सोल्स के बाद ही वो PC में आते हैं एंड डेवलपमेंट वहीं से शुरू होता है, सो तुम्हारे जो गेम्स हैं वो मल्टी कोर CPUs को यूज़ करेंगे। और अब तो जो है वो जो इंटेल ऑप्टिमाइज टाइटल्स हैं, इंटेल खुद अपने मल्टी कोर CPU निकाल चुका है, इंटेल ने खुद कोर्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तो ज़्यादा चांसेस है कि गेम्स जो है वो ज़्यादा कोर्स को सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक 4 कोर का CPU क्यों लूँ? यहाँ पे दो सिनेरियोज है, गेम्स अगर मल्टी कोर सपोर्ट करेंगे तो गेम्स हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करेंगे, एंड तो तुम्हारा 3500 है उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग भी नहीं है। सो अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट करते हो कि मैं 3300X और 3500 में से कौन सा लूँ, तो भले ही तुम्हें 3300X में ज़्यादा कोर नहीं मिल रही, लेकिन 3500 में तो फिर हाइपर थ्रेडिंग भी नहीं मिल रही, सो दोनों की तरफ से तुम्हारा लॉस है। अगर तुम 3300X वर्सेस Ryzen 7 2700 बोलू, देन मैं बोलूंगा कि अगर हाँ तुम्हें मे बी स्ट्रीमिंग करनी है, मे बी तुम्हारा कुछ और काम भी है, CPU सिर्फ गेमिंग के अलावा तुम्हें कुछ और भी काम करने है, देन 2700 एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि 2700 के अंदर ज्यादा कोर्स है, मे बी तुम CPU बेस्ड एनकोडिंग करके स्ट्रीमिंग कर पाओ, मे बी जो है वो तुम कुछ वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ और कर पाओ, तो वहां पे जो है तुम्हें 2700 जो है वो ज्यादा बेटर CPU मिलेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ गेमिंग करने वाले हो, तुम्हें सिर्फ एब्सोल्यूट FPS चाहिए, देन मैं स्टिल 3300X रिकमेंड करूंगा 3500 के साथ अगर उसे कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि 3500 के अंदर स्टिल हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, और अगर गेम्स फ्यूचर में मल्टी कोर CPU सपोर्ट करते हैं देन तुम्हें हाइपर थ्रेडिंग भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम रेड डेड रिडेम्पशन देखो तो वो स्टिल नॉन हाइपर थ्रेडिंग वाले CPUs में इशू करता है, वो उसके अंदर जो है वो तुम्हें बहुत ही गार्बेज FPS देखने को मिलते हैं अगर तुम नॉन हाइपर थ्रेडिंग वाले CPUs को देखो, जबकि 3300X में भले ही कोर कम है लेकिन उसमें हाइपर थ्रेडिंग है तो वो उसके अंदर डिसेंट चलता है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 3300X में अच्छा चलता है। नाउ 3300X और किन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, 3300X में उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं अपना CPU। अभी के लिए तो देखो 3300X किसी गेम में इशू कर नहीं रहा, यानी अभी के लिए करंटली ये 4 कोर 8 थ्रेड का CPU सफिशियंट है, राइट? अगर तुम Zen 2 में अपग्रेड करने वाले हो या फिर तुम फ्यूचर में किसी और CPU में अपग्रेड करने वाले हो, देन तुम अभी 3300X ले लो, क्योंकि अभी 3300X तुम्हें बढ़िया FPS दे रहा है, ज्यादा FPS दे रहा है कंपेयर टू Ryzen 5, और फ्यूचर में तो तुम एक 6 कोर का CPU वैसे भी लेने वाले हो। सो जब तुम फ्यूचर में 6 कोर का CPU लेने वाले हो तो तुम्हें वो फ्यूचर में गेम कितने भी कोर सपोर्ट करें या तुम फ्यूचर में 8 कोर का CPU लेने वाले हो, तुम्हें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपग्रेड कर रहे हो। जो लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो जो है वो Ryzen 7 2700 या फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करके Ryzen 5 3600 की तरफ स्विच कर जाएं, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। तो उम्मीद है तुमको ये बेंचमार्क वगैरह जो है वो पसंद आएंगे, एंड अगर आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।